अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर एनआरएलएम के अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी सीआरपीएफ, एलसीआरपीएफ, आरबीके एवं पीआरपी के कर्मचारी द्वारा कुसमी एसडीएम कार्यालय एवं जनपद पंचायत कुसमी कार्यालय में पंचायत इंस्पेक्टर महेश बुनकर को ज्ञापन सौंपा है। अपनी मांगों को लेकर दुर्गा चौक कुसमी के सामुदायिक भवन के पास सैकड़ों महिला कार्यकर्ता एक साथ हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनके द्वारा छत्तीसगढ़ शासन से अपने चार सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की जा रही है, जिसके तहत एनआरएलएम के अधीनस्थ कार्यरत सभी कर्मचारियों की नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी करते हुए इन्हें नियमित किया जाए, साथ ही मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए मानदेय का भुगतान नियमित रूप से प्रति माह किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रति माह मानदेय की राशि 1500 में से 500 रुपए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा काट लिया जाता है। एनआरएलएम के अधीनस्थ सभी कर्मचारियों द्वारा यह बताया गया कि 1500 रुपए मानदेय हम लोगों को 8 माह में मिलता है, उसमें भी 500 रुपए के हिसाब से अधिकारियों द्वारा राशि काम कम किए हो करके काट दिया जाता है। हम लोग क्या करें, किससे कहें, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। समाचार के माध्यम से बलरामपुर कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन किया गया है, जिससे इनका मानदेय प्रत्येक माह देते हुए मानदेय की राशि में से 500 रुपए कटौती नहीं किया जाए। कुसमी बलरामपुर से राकेश भारती की रिपोर्ट। अच्छा, आप अपना शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम दीपिका बखला और मैं उपाध्यक्ष हूँ। आप अपना नाम बताइएगा। मैं प्रेम मनी लकड़ा, मैं सचिव। अच्छा, ये बताइए, आप लोग का जो हड़ताल यहाँ किए हैं दुर्गा पंडाल में, जी सर, आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का मांग है पीआरपी का जो मानदेय राशि मिलता है अभी का समय में वो 13,200 रुपये से लेकर के हम लोग को 22,000 रुपया मानदेय मिलेगा और यात्रा भत्ता 3,000 रुपया हम लोग को मांग है। उसके बाद में एफएससीआरपी का मानदेय है 5,000 रुपया और एफएससीआरपी को यात्रा भत्ता 3,000 रुपया हम लोग का मांगे हैं। आरबीके का मानदेय है 2,500 रुपया, उससे बढ़ाकर 6,000 रुपया मानदेय और यात्रा भत्ता 2,000 रुपये। कृषि पशु सीआरपी का मानदेय है 1,500 रुपया, उससे बढ़ाकर हम लोग को 5,000 मानदेय चाहिए। सीआरपी का मानदेय है 1,500 रुपया, उससे बढ़ाकर हमको 5,000 का मानदेय चाहिए। बैंक मित्र का मानदेय है 2,500 रुपया, उससे बढ़ाकर हमको 8,000 मानदेय चाहिए और 2,000 रुपये यात्रा भत्ता चाहिए। तो इस तारतम्य में आप लोग 5 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं, जी सर, आज दिनांक से, जी सर। और आप लोग को मानदेय हमेशा मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं, नहीं मिलता है। उसमें क्या परेशानी होती है? हम लोग को समय से मानदेय नहीं मिलता है सर, हम लोग को 8 महीना, 10 महीना, 12 महीने के बाद ही मानदेय मिलता है। अभी बाद भी पूरा पैसा नहीं मिल पाता है। 8 महीने, 10 महीने के बाद भी हम लोग को 5 महीने, 6 महीने का मानदेय ही दिया जाता है। तो उसमें कितना कुछ पैसा काटते हैं क्या? काटा जाता है। काटा जाता है। कितना काटते हैं पैसा? 500 पर व्यक्ति से? कार्य के आधार पर ही काटते हैं। आप लोग को प्रति माह कितना मिलता है मानदेय अभी वर्तमान में? 1500 में कितना काट करके देते हैं? 1,000 आप लोग को मिलता है। सीआरपी को 1500 से काट करके 1,000 ही मानदेय दिया जाता है और एफएससीआरपी है जो काम कम दिखता है तो उसको 1,000, 2,000 ऐसे काट करके दिया जाता है। हम इसी काम में जुड़े हैं और इसी काम में हम लगन से कर रहे हैं। अगर हमारी इसी काम को करते करते हमारा उम्र बीत जाएगा तो हमारा क्या स्थिति होगा, इसके लिए हम चार सूत्रीय मांग को लेके हम बैठे हैं। हमारी मांगे 5 दिन के अंदर नहीं पूरा होगा तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे, कलम बंद, काम बंद। ये बताइए, यहाँ से आपके जिला में भी, प्रदेश में भी गए हैं क्या हड़ताल करने के लिए? जी, रायपुर में गए हैं, हमारे ब्लॉक से 50 लोग को गए हैं। हम लोग सहयोग राशि उनको भेज रहे हैं ताकि उन लोग वहाँ अपना खाना पीना कर सके, क्योंकि हम लोग अपना अपना घर में रह के खाना खा सकते हैं लेकिन वो वहाँ पे जाके क्या खाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समूह के सभी, उसमें विकास खंड के सभी समूह के नारी शक्ति यहाँ जुटी हुई हैं। ये अपना मांग को एसडीएम कार्यालय के सामने, साथ ही जनपद कार्यालय कुसमी में ज्ञापन सौंपे हैं। इनका 5 दिवसीय हड़ताल यहाँ आज दुर्गा पंडाल में जारी है। इनका कहना है कि हम लोग को मात्र 1500 के हिसाब से दिया जाता है मानदेय, साथ ही कुछ जो अन्य हैं उनको और प्रकार से दिया जाता है। इनका चार सूत्रीय मांग है
जिस मांग को पूरा करने के लिए अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि अगर हमारा 1500 रुपया मिलता है प्रति माह, वो भी 8 महीना 10 महीना 6 माह एक साल बाद मिलता है, हम लोग काफ़ी आने जाने के लिए जो काम बताया जाता है उसमें परेशान रहते हैं, कर्ज लेकर के आते हैं, फिर भी हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है। हम लोग को समय से मानदेय दिया जाए, हम अन्य कर्मचारी की तरह हमें भी नियमित किया जाए। मैं राकेश भारती, न्यूज़ प्लस 21, बलरामपुर कुसमी, धन्यवाद।